بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربّا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीयीन सय्यदिर रसूल व खातमिल मासूमीन وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي

فجوهر الحسن فيه غير منقاسمي محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم ربي صلى وسلم دائما أبدا अला हबीबिका खैर खल के कुल ही खुदा या बनी फ़ातिमा के बर कौल ईमा कुनी ख़ातमा अगर दावत दाव्रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु सल्ला वसलम अल्ला तबारक वाला जला जलाल हो व अमा नवाल हो वम्मा बुरहानू हो व आज़मा शान हो व जला ज़िक्र हो वज़ा इसमो की हमदोसना और हजूर सरवर कायनत मफ़र मौजूद जीनत बजम कायनत दस्तगीर जहाँ गम गसार ज़मा सैद सरवरा हामी बेकसम कायदलमसलिन खातमनबी वलमासूमी अहमद मुजतबा जनाब महमद मुस्तफ़ा सल वबी वबारक वसलम के दरबार गहरबार में हदीदरद्लाम अर्ज़ करने के बाद अलकम वरम्तल वबरक रबलाल के फ़ल और तोफ़ीक से मरकज़ सिरात मस्तीम गोजर वाला जाम मस्जिद रज़ा मुशतबा में मुबारक के मौका पर ख़लीफ़ा सोम मोमिनीन दामाद रसूल सल्लल्लाहु सल्हु वसम जिनोरैन हज़रत सदनास्स्मान ग़नी रदी अल्लाह अन्हो की याद में और तहफ़ क़ुरान मजीद के सिलसिला में आज का ये इन एकाद पज़ीर है मेरी दुआ है खाल के कायनत जला जलालू जलाल हम सब को कुरान सन्नत का फाहमता फ़रमाए और कुरान सन्नत के इबलाग और तबलीग और इस पर अमल करने की तोहफ़ी कता फ़रमाए खलीफ़ सोम अमीरमिन हज़रत सदना गनी रदी तप का योम शहादत आपकी शहादत का सानहा तारीख़ इस्लाम के अंदर एक बहुत गहरा ज़खम है जिसका दर्द आज तक महसूस किया जा रहा है मजलुम मदीना सैदना ऊस्मान गनी रदी अल्लाह जिन हालात का सामना करना पड़ा और जिसके नतीजे में आपकी शहादत हुई सरवर कौन हज़रत महमद मुस्तफ़ा सला वसल्लम ने अपने उलोम गैबिया की रोशनी में ज़ुबान रिसालत से उन तमाम हालात को बयान किया और फितनों के उस दौर के अंदर हज़रत सदनास्मान गनी रजियल्ल्ला तक हक्कानियत को भी और आप पर लगाए गए इल्ज़ाम में आपकी बराहत को और आपकी पाक दामिनी को नबी अक्रम नूर मुजस्म शफ़ी मुआज़म सल वसल्लम ने ख़ुद बयान किया फरमाया फरमायास्मान मुकम्मसों का कमीसा फ़ैन अरा दल मुनाफिकू ना अला खलही फ़ला तखला हो हती तल ख़ानी इस हदी शरीफ के अंदर हज़रत सदनास्स्मान गनी रदी अल्लाह के मुखालफी जिन्होंने मदीना मुनवरा में आकर जोरश बरपा की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुनाफिकीन के लफ्ज़ों से ताबीर किया और उनका जो मुतालबा था कि हजरत स्मान गनी रदी अल्लाह तन हो खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएं तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुतालबे को ग़लत करार दिया और अपनी तरफ़ से हज़रत हज़रतमान ग़नी रज़ी तह को ताक़ीद की कि वो लोग आपसे खिलाफत से दस्बरदार होने का मुतालबा करेंगे लेकिन मेरी तरफ़ से तुझे ये हुक्म है कि आपने कभी भी खिलाफत से दस्तबरदार नहीं होना हती तलखानी यहाँ तक कि तुम्हारी शहादत हो जाए और शहादत के बाद तुम्हारी मुझसे मुलाकात हो जाए तारीख़ के रतबो याबस में जितने भी रवाफिज़ के घड़े हुए एतराज़ात हैं उसके मुकाबले में रसूल अक्रम सम की ज़ुबान से हजरत अस्मान गनी रदी अल्लाह तू कि जामान अंदाज में हक्कानियत आपकी खिलाफत की अजमत और फिर हक पर डटे रहने के नतीजे में आपकी शहादत ये सब कुछ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाई है नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुसूसी क़ुरब जो हज़रत हज़रतमान गनी रदी अल्लाह तयसर था उसके बारे में सैद आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तहा रवायत करती हैं कि हज़रत ऊस्मान गनी रदी अल्लाह तालों को मैंने इस हालत में देखा लकदरा तो रसूल अल्लाह वसलम वाह हुआ मसनदन फ़साऊ हु इलास्स्स्मान आयशा सिद्दीका सद्दीक़ा रदील्ल्ल्ल्ल्ल्ह तहा में रसूल अकरम सल असम की खिदमत में हज़रत हज़रतमाननी रदी अल्लाह ताल यूँ हाजिर थे कि नबी अक्रम सम ने अपने रान मुबारक की टेक हज़रत हज़रतमाननी रदी अल्लाह तह से लगाई हुई थी और नबी अकरम सल्ह वसम पर वाह का नजूर हो रहा था वह हुआ मुफ्त मुसन दुन फ़ाहू अलास्मान व इन्नी लमसहुलर्क अन जबीन रसूल सल्ला वसम चूँकि वाह का नज़ुल जब होता था तो शद सर्दी में भी रसूल अक्रम सम को पसीना आ जाता था इस मौ पर भी नबी अकरम सल्ला वसम की जबीन पर पसीना मुबारक था आब ज़र बनता है आरज़ पे पसीना नूर का मुसाफ़ एजाज़ पे चढ़ता है सोना नूर का तो हज़रत आशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ता कहती हैं मैं उस पसीने को पूछ रही रसूल पाक सल्ला वसल्लम की जबीन से और आपका रान मुबारक उसकी टेक हज़रत स्मान गनी रदी अल्लाह तन हो कि जिसमें मुबारक के साथ लगी हुई थी लयन व है, और रसूल पाक सल्ला वल् पर वहज का नजूल हो रहा था और नबी अकरम सल असम इस हालत में नज़ुल वाहज के दौरान इरशाद फरमा रहे थे उकतुब या उस मोह ए प्यार उस्मान मैं जो बोलता हूँ तुम वो लिखते जाओ उक्तुब यासैैम उसेम।, उसेम जो है ये उस्मान की तस्गीर है और तस्गीर कभी तो किसी की तहकीर के लिए होती है और कभी किसी से प्यार के इजहार के लिए होती है तो यहाँ हज़रत ऊस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्यार था उसके इजहार कर के लिए आपने तस्वीर के सीगे से जिस तरह अपने अज़ीज़ों को बुलाया जाता है तो कहा उकतुब जो मैं बोलता जाता हूँ आप उसे लिखते जाओ तो हज़रत आशा ताला तहा कहती हैं फवल्ला खुदा की कसम मा कान अबदम मन नबी मिन ही तिलकल मंजिला इल्ला काना अल करीमा आप कसम उठा के इस सारी सूरत हाल का नतीजा बयान करती हैं खुदा की कसम जिस शख्स को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना क़ुरब हासिल हो कि बवक्ते वही सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ टेक लगाई हुई हो और बवक्ते नजूल वाहि रसूल पाक अलैहि वसल्लम उनको याद कर रहे हों और बुला रहे हों और नजूल वाहि में जिन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वाहि को लिखने का हुक्म दे रहे हों और वो बंदा काशाना नबूवत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सरकार के पास हाजिर हो तो वो ऐसा बंदा ही हो सकता है जो अल्लाह का बड़ा प्यारा हो और अल्लाह के नज़दीक उसकी बड़ी इज्ज़त और इशान हो इल्ला काना अलैहि करीमा जो अल्लाह के हाँ बड़ा करीम हो उसको ही ये मर्तबा मिल सकता है तो मोमिनीन आशा सिद्दीका रदी अल्लाह हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तैाल के इस क़ुर्ब को जो नबी अकरम अलैहि वसल्लम ने उन्हें अता किया कातब वाह होने का शर्फ भी बख्शा और घर के अंदर इस अंदाज़ में अपने पास बिठाकर नबी अक्रम नूर मुजस्म शफी मुज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनजलियात में से हज़रत हज़रतस्मान गनी को हिस्सा दिया जो नज़ुल वाहज के वक़्त खसूसी तौर पर रसूल सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम पर बरसते थे वैसे तो आम हालात में भी हर वक़्त रहमत खुदाबंदी का उस पैकर मुनवर पर नज़ल होता रहता था इन रसूल अक्रम सर पर लेकिन वाहज के वक़त नज़ुल वाहज के वक़्त मज़ीद अनवार तजलियात का नज़ूल होता था और उस अनोार तजलियात की बारिश में जब देखा हज़रत हज़रतमान गनी रदी अल्लाह तह को सैद आयशा सिद्दीक रदी अल्लाह तह ने तो आपने खसूसी तौर पर आपने इस तबसरे का इज़हार किया कुरान मजीद पुरान रशीद के साथ हज़रत सैदास्स्मान गनी रदी अल्लाह हो का बड़ा खसूसी ताल्लुक है आज के हमारे दोनों मौजूद का आपस में जमा होना उसकी मुनासबत भी यही है आप जाम क़ुरान हैं एक रकत में पूरा कुरान खत्म करना कई बार ये आपका एज़ाज़ है और इसके साथ साथ आपके जो फरमुदात हैं क़ुरान मजीद बुरहान रशीद के लिहाज से हलतमान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं लौ तात क़लूबुना लमा शबिन कला कि अगर हमारे दिल पाक हों तो कभी भी अल्लाह के कलाम से सैर ना हों यानी दिलों की तहारत का ये तकाजा है कि कसरत से तिलावत कुरान मजीद करें और कुराने मजीद सुने और कुराने मजीद के जो असरारमूज़ हैं उनमें तदब्बर और तफक्कुर करें और कुरान मजीद के अहकाम अमल करें आप फरमाते हैं इन्नी लक रहो यौमन ला, अं यौम। ला अनसुरु इला अहदिल्ला मैं अपनी ज़िंदगी में कोई एक दिन भी ऐसा नहीं चाहता कि जिस दिन के अंदर मैं क़ुरान के अंदर नज़र ना करूं, कुरान के अल्फाज की ज़्यारत ना करूं और कुरान मजीद की तिलावत ना करूं। मैं अपनी ज़िंदगी के हर दिन को कुरान के दीदार से कुरान की ज़्यारत से और कुरान मजीद बुरहान रशीद की तालीमात के साथ मुनवर किए हुए हूं आप फरमाते हैं बा बाया मिनत दुनिया सलासुन दुनिया में तीन चीजें मुझे बहुत पसंद हैं नंबर एक इशबाउल जियान, भूखे लोगों को खाना खिला के सैर करना नंबर दो किस्वतल और यान वो लोग जिन्हें कपड़े ना मिलते हो, उन्हें कपड़े लेकर देना नंगे लोगों को यानि जिनके पास लिबास नहीं है उन्हें लिबास पहनाना और नंबर तीन कुरान यानी ये इशबालजीआन किस्वतलान और तिलावत क़ुरान आपने ये खुलासा बयान किया कि मुझे जो आमाल पसंद हैं उनमें से फिर ये तीन अमल मज़ीद ऐसे हैं कि जिनको मैं हमेशा अपने मामूलात का हिस्सा समझता हूँ फिर फरमाया अरबातुन ज़ाहिर फ़जीलत व बातिन फरीजातुन के चार चीज़ें ऐसी हैं उनका ज़ाहिर अगर देखें तो वो फजीलत है और अगर उनका बातिन देखें तो सिर्फ़ फजीलत ही नहीं वो फरीजा है यानी फजीलत तो मुस्तहब में भी पाई जाती है यानी ज़ाहिर के लिहाज से वो एक फजीलत वाला काम है मगर जब बातिन देखें तो वो सिर्फ़ फजीलत नहीं वो फजीलत के साथ साथ फरीज़ा भी है इसमें जो हजरत स्मान गनी रदी अल्लाह और सुन्नत के अंदर गहरी सोच और इदराक का मकाम हासिल था उसका भी पता चलता है आप फरमाते हैं मुखालत साल फदीलत वक्तदा बिहिम फरीज सालहीन की संगत इख्तियार करना सालहीन के पास बैठना सालहीन की सोहबत इख्तियार करना ये फजीलत है अच्छा काम है लेकिन वालतदा उब ही फरीजा तो उनहन की इब्तः करना फर्ज है पास बैठना एक फजीलत है मगर उनकी इब्तः करना उनके नजरियात की इब्तः करना उनके अहकाम की इब्तः करना ये महज फजीलत नहीं फजीलत प्लस फरीजा है कि ये फर्ज है कि उनकी इक्तदा की जाए यानी आज इसका उल्ट समझा जाता है कि बहुत से लोगों के पास बैठने को तो शर्फ समझा जाता है मगर वो जो कुछ कहते हैं उसे उस पर अमल को बड़ा बई समझा जाता है जबकि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तु कहते हैं कि पास बैठने से ज्यादा उनकी पैरवी करना जरूरी है कि पास बैठना तो महज फजीलत है लेकिन उनके पैगाम पर उनकी तालीमत कर अमल करना ये फजीलत ही नहीं यानी फजीलत भी है और साथ ये फरीजा भी है ये एक चार में से आपने बयान किया दूसरे नंबर पर कहते हैं तिलावतुल कुरान फजीला वल वमलो भी ही फरीजातन के कुरान की तिलावत फजीलत है मगर कुरान पे अमल सिर्फ़ फजीलत नहीं फरीज़ा है यानी फजीलत से बढ़कर है कि लाजमी है उस पर तिलावत से ज़्यादा ज़रूरी उस पर अमल है कि तिलावत भी की जाए और साथ उस पे अमल किया जाए कि कुरान कहता क्या है कुरान के हकाम का तकाज़ा क्या है किस चीज को हलाल कर रहा है किस को हराम कर रहा है तीसरे नंबर पर आप इर्शाद फरमाते हैं ज्यारतुल कबूर फजीला कबूर की जियारत करना फजीलत है वल इसत लिल मौत लेकिन मौत की तैयारी करना यह फर्ज है कबूर की जियारत के फलां वली की कबर है वहां जाया जा तो ये एक फजीलत है और यही सुनीत है कि इसे फजीलत समझा जाए ना किसी बुत कहा जाए माज़ल्ला जैसे कुछ लोग उस तरफ चले जाते हैं फरमाया कबूर की ज्यारत फजीलत है मगर इससे बड़ा काम अगला है कि कबूर को देख कर और अब कबूर का जो पैगाम है उनकी जो तालीमत हैं और कुरान सुन्नत कि जो अफकार है उसकी रोशनी में बंदा खुद भी तैयारी करे मौत के लिए तो मौत की तैयारी ये महज फजीलत नहीं है फरीजा है फर्ज है कि मौत की तैयारी की जाए आखिरत के लिए बंदोबस्त किया जाए कि जिधर जाना है वहाँ का कोई ज़्यादा राह पास हो नदामत ना हो चौथे नंबर पर आप इर्शाद फरमाते हैं इयादतुल मरीज फजीलत मरीज की इयादत करना फजीलत है मरीज के बारे में पूछना उसका हाल क्या है यह फजीलत है वसीयत मिन हो फरीजातुन क्यों उससे अपने लिए वसीयत पकड़ना कि मैं सेहतमंद हूं मैं भी किसी वक्त खुदा न खासा ऐसा ना हो जाऊं कि इस बंदे से अब उठा नहीं जा रहा ये अब मस्जिद में नहीं जा सकता ये उठ के नमाज नहीं पढ़ सकता ये कार्य खैर के लिए अब बीमारी की वजह से इसके लिए रुकावटें बन गई हैं तो मैं तो अल्लाह के फजल से तंदुरुस्त हूँ मेरे पास वक्त है मैं अपना वक्त ज़ाया ना करूँ कबल इसके एक ऐसी घड़ी मुझ पर आए मैं अपनी आखरत के लिए बंदोबस्त कर लूँ तो ये वहाँ जाने के बाद अपने लिए वसीयत और पैगाम पकड़ना ये फरीज़ा है अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैदान गनी रदी अल्लाह तहु को कुरान सुन्नत के अंदर कितना इदराक हासिल था और सैदुलमरसलिन ख़ातन नबीन अहमद मुजतबा जनाब महमद मुस्तफ़ा सल्ला व्लम की सोहबत से आप कितना फैज़ याब थे कि आपकी एक बात इंसान की ज़िंदगी में इनकलाब ला सकती है कि अगर इंसान इस पर तवज्जो करे और अपनी ज़िंदगी का इसे लाहे अमल बनाए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की खुशबू इन बातों से आती है जो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लों ने ये जो तालीमात उम्मत को अता की हैं आप फरमाते हैं दुनिया के अंदर ज़ाया कोई चीज़ भी हो जाए तो उसका अफसोस होता है कि ये क्यों ज़ाया हुई अच्छी चीज़ थी लेकिन फरमाते हैं दस चीज़ें ऐसी हैं सारी कायनात के ख़जानों में दस चीज़ें ऐसी हैं कि उनका ज़ाया होना ये बड़ा नुकसान है उस पर बड़ा अफसोस होना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो ज़ाया ना हों क्योंकि उनका जिया उनका जाया होना वो बहुत ज्यादा इंसान के लिए नुकसानदेह है कौन सी दस चीजें आप फरमाते हैं आलिम ला युस अलहो वो आलिम जिससे कभी सवाल नहीं किया जाता इसके जाया होने का जो नुकसान है वो सबसे बड़ा नुकसान है, है आलिम मगर उससे पूछते ही कोई नहीं मसला या कोई पूछे तो वो बताता ही नहीं है उसने मुताला छोड़ दिया है वो अपने पढ़े हुए की रिविजन ही नहीं करता वो अपने आप को जवाब दे ही नहीं समझता वो लोगों को हराम करते हुए देख के आंखें बंद कर लेता है उसको इस आहली को ही नहीं समझता कि इससे भी मसला पूछे कि इसके पास हमारी बीमारी का इलाज है अपने मुआरे में लोगों के सामने वो इतना नाकारा बन चुका है कि उससे कोई सवाल ही नहीं करता क्योंकि लोग बार बार सवाल करके जवाब ना मिलने की वजह से उकता गए हैं और ये समझते हैं कि इसके पास है ही कुछ नहीं तो फिर कायनात में करोड़ों खजाने लुट जाए तो इतना नुकसान नहीं जितना नुकसान एक आलिम के इल्म को जंग लग जाने का है कि आलिम तो था मगर इल्म उसका नकारा हो गया उसके इल्म से किसी को फायदा नहीं हो रहा और वो लोगों के सवालों के जवाब नहीं देता हलाल हराम के लिहाज जो ज़रूरियात हैं दीन की जिसके बारे में उसे बताना है वो उनको उस बारे में रहनुमाई नहीं करता फिर दूसरे नंबर पर फरमा यू सवाबिन ला युक वालो किसी की दुरुस्त राय जब उसे अवाम कबूल ना करें उसने तो अपना फरीजा सर इंजाम दे दिया लेकिन अब ये गुना अवाम के खाते में आएगा उन्हें हक तलख लगता है उन्हें हक को कबूल करने से प्यार नहीं वो हक कबूल करने में रगबत नहीं रखते और ये ऐसा हक है कि जिस तरह मिसाल के तौर पर कोई बीज ज़मीन काश्त करके फेंकता है और चिड़िया वो दाना उठा के ले जाती है ना वो उगता है ना वो दरख्त बनता है ना उस पर फल लगता है तो राय सवाब यानी हिदायत का पैगाम जब उसे कबूल ना किया जाए तो जो नुकसान होता है माशरे में ये बड़े नुकसानों में से एक नुकसान है हजरत ऊस्मान गनी रजी अल्लाह तला फरमाते हैं तीसरे नंबर पर सलाहन ला युस्ता मालो वो असलहा कि जिसे जिहाद में कभी भी इस्तेमाल ना किया जाए बना बना के रखा जा रहा है का वो आइटम बम हो का वो टैंक हो वो तोपे हों मिजाइल हों लेकिन सिर्फ नुमाइश के लिए हैं कि सालाना नुमाइश में दिखा दिए जाए और बातिल के खिलाफ कुफार के खिलाफ उनको इस्तेमाल ना किया जाए तो ये भी उन बड़े नुकसानों में से है कि जो चीज़ ज़ाया हो जाए जिस पर अफसोस किया जाए कि असलहा जो बनाया तो जाता है मगर कभी भी जिस मकसद के लिए बनाया गया है उस मकसद के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता फिर फरमाते हैं वह मस्जिद उन लूसल्लाफी है वो मस्जिद जो बनाई तो गई है मगर उसमें नमाज नहीं पड़ी जाती ये जो जिया है ये उन दस चीजों के अंदर इसको भी शुमार किया कि मस्जिद बना दी गई मगर उसको जो सजदों से आबाद करने का हक है वो हक पूरा नहीं किया जा रहा मस्जिद का जो हकीकी फ़ायदा था वो हासिल नहीं किया जा रहा इस मस्जिद को ज़ाया कर दिया गया ऐसी मस्जिद कि जिसके अंदर नमाज नहीं पड़ी जाती उसका जिया ये भी बहुत अफसोसनाक अमर है फिर फरमाते हैं वह मुसहफुन लायक रोफी है वो कुरान का नुस्खा जिससे तिलावत नहीं की जाती क़ुरान बच्चियों को जहेज़ में साथ दिया जाता है सारी उम्र इल्ला माशाल्लाह पड़ा रहता है कहीं जाला लग जाता है कहीं कुछ हो जाता है अगरचे अल्लाह के फजल से बहुत से लोग तिलावत करने वाले भी हैं लेकिन अगर कुरान खरीदा गया कितना ही कीमती वो मुसहफ खरीदा गया हो लेकिन जब उससे तिलावत नहीं की जाती वो तो अल्लाह का कलाम है उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता लेकिन इस बंदे ने हक नहीं अदा किया इस पर जो लाजिम आ रहा था उसकी तिलावत के लिहाज से इसने कुरान का हक मारा है यहां भी ज्या है इस पर भी अफसोस करना चाहिए और फिर इर्शाद फरमाते हैं वमालुन ला लाय फिन हो वो माल जिससे अल्लाह के रास्ते में खर्च ना किया जाए कि ये माल बंदे को अल्लाह का कुर्ब दे सकता था जब इसको राह हक में खर्च किया जाता तो अफसोस है उस माल पर कि माल तो है मगर इन्फाक सबी लाला नहीं माल तो है मगर उसकी जक़ात नहीं दी जाती अनाज तो है फसलें पकती हैं मगर उसका उशर नहीं दिया जाता पैसा तो है मगर उसका इस्लामी हक अदा नहीं किया जाता और इस्लाम में जुराए हक़ की जरूरतें हैं वहाँ उसके लिए इस्तेमाल नहीं होता ये भी ज़ाया हो जाने वाली चीज है जिस पर के अफसोस किया जाए फिर इरशाद फरमाते हैं वैनलातुर काबू वो घोड़े जिन पर राह हक में सवारी नहीं की जाती पाल पाल की उनको नुमाइशों के लिए या नाच के लिए या फिर वो जो रवाफ़स घोड़े निकालते हैं जिस मकसद के लिए था कि राह हक में उस पर सवारी की जाए या फिर ज़रूरत के पेश नज़र उस पर वैसे उमूर मुबाह में सवारी की जाए वो उस पर सवारी नहीं की जाती तो जिस मकसद के लिए था इस पर भी अफसोस किया जाएगा कि ये जाया कर दिया गया फिर रिशात फरमाते हैं वह इल्म ज़ुहद फी बतनी में उरीद दुनिया फरमाया उस सूफी के बारे में है कि जिसके पेट में इल्म ज़ुहद है मगर वो मुरीद दुनिया का है जोहत पढ़ा है जोहत सीखा है बेरगबती दुनिया से इसका कोर्स किया है मगर अमलन मुरीदे दुनिया है अमलन दुनिया में डूबा हुआ है दुनिया की मोहब्बत में थोड़ा इस जोहत को जाया करने पर भी अफसोस किया जाएगा कि कितना कीमती खजाना था जिसको जाया कर दिया गया दसवें नंबर पर आप इर्शाद फरमाते हैं व उम्र उन तवील उन ला य तब्वा दो ले सफा वो लंबी उम्र के जिस उम्र वाले ने अपनी लंबी उम्र में इतनी लंबी उम्र में भी आखिरत के लिए कोई ज्यादे इकट्ठा नहीं किया कई सालों के रोजे गुजर गए कई सालों की नमाजें रह गई हज फर्ज़ था वो अदा नहीं किया लंबा ज़माना पाया लंबी उम्र पाई बाल होने के बाद लाजमी था कि वो ज़ादेरा राह बनाए आखरत के लिए के जाना है सफ़र पर जिस सफ़र के बगैर चारा नहीं हर किसी ने मंजिल की तरफ जाना है और उसके लिए ज़ादेरा राह की जरूरत है जो नमाज रोज़ा हज जक़ात अरकान इस्लाम की अदायगी की वजह से बंदे के पास इकट्ठा होता है फिर उसने लंबी उम्र तो पाई है मगर ज़ादे उसने इकट्ठा नहीं किया पर इसने भी अपनी उम्र को ज़ाया कर दिया और ये ज़ाया होने वाली बड़ी कीमती चीज़ों में से ये दसवें नंबर पर हज़रत सैद ना ओसमान तु ने इसको बयान किया देखिए ये पैगाम भी बड़ा जाम पैगाम है और नासाना तरीके से अमीरमोमिन हज़रत स्स्मान गनी रदी अल्लाह तहों ने कुरान सुन्नत की ये खुशबू लोगों के सामने जाहिर फरमाई और वो खुद कितने आमिल थे इन सारी बातों के ऊपर जिस पर मुस्तकिल अदीस उनके फ़ज़ाइल की मौजूद हैं और उनकी जाम सीरत के अंदर ये सारी चीज़ें अल्लाह के फज़ल से आसन तरीके से मौजूद हैं हज़रत गनी रदी अल्लाह तह काना हिजरू ला यका दो आपकी गोद कभी भी मुसहफ से खाली नज़र नहीं आती थी यानी इतना कुरान से प्यार करते थे इतनी तिलावत करते थे एक मरतबा आपसे सवाल किया गया कि आप कुरान रखते ही नहीं हमेशा कुरान आपके पास ही होता है और अगर अगरच आपको ज़ुबानी आता है आप हाफिज़ हैं और क़ुरान का नुस्खा आप अपने पास हमेशा रखते हैं तो हजरत उस्मान गनी हज़रतमाननी रज्लू ने कहा इन् ना हूँ मुबारकन जा अब ही मुबारकन ये बरकत दी गई किताब है और बरकत दिए गए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वम ने हमारे पास पहुंचाया ये बड़ा तोहफ़ा है इस वास्ते मैं इसको हमेशा अपने पास रखता हूँ आज कुरान मजीद बुरान रशीद के लिहाज से भी हमारा मौजू है ये उसकी तमहीद में सदनास्मान गनी रदी अल्लाह तरम मैंने आपके सामने पेश किए आइंदा जुमतुलमबारक को लाहौर में हम फज़ाल सैदना ऊस्मान गनी ऱी अल्लाह तो कानफ़्रेंस मनकद कर रहे हैं जिसमें मज़ीद तफसील के साथ इन शमूर को बयान किया जाएगा आपके योम शहादत के मौका पर रवाफिज़ एक त्योवार मनद करते हैं जिसको वो ईद गदीर से ताबीर करते हैं या जश्न वलायत अली रदी अल्लाह तह से ताबीर करते हैं हमने चूँकि हदीस गदीर पर तफसीला सेमिनार भी किया है और यहाँ भी गुजशत सालों में इस चीज़ को बयान किया है कि अलसन्नत व जमात पर जो फ़िक्री और नज़रियाती हमले हो रहे हैं वो हमले अवाम तो क्या खवास को भी पता नहीं चल रहा कि उन्हें कैसे अगवा किया जा रहा है और कैसे रिफ्स की वादियों में उनको धकेला जा रहा है हदीस मन कुन तो मौला हो फ मौला हो है मन कुन तो मौला हो फहाली मौला हो बरहक है लेकिन इस हदीस के एक गलत इस्तलाल को सामने रख के रवाफिज़ इसका त्यौहार मनाते जो इसका सही मतलब है उसके लिहाज से वो समझते हैं कि मौला अली की कोई फ़जीलत नहीं है ग़लत मतलब उसका निकाल के वो इसको फिर इसका जश्न मनाते हैं और इसको फिर ईद से ताबीर करते हैं हज़रत मौलाली रदी अल्लाह का वली होना वो तो जब एक रवायत में ये है कि वो इस्लाम कबूल करने से पहले ही मुस्लिम थे फिर इस्लाम कबूल किया यानी उसी इस्लाम को जो वो पहले मुस्लिम थे आला हज़रत उसमें न पूरा एक रिसाला लिखा हज़रत सिद्दीक के अकबर रज़ी अल्लाह तजरत मौला ऱी अल्लाह तह का जो इस्लाम कबूल करने से पहले का इस्लाम है उसके बारे में और उसके अंदर फिर इस्लामी तालीमत के लिहाज से इजाफा और ये सारी चीज़ें तो वो वली तो उस वक़्त भी थे फिर मक्की ज़िंदगी का सारा ज़माना वो वली थे मदनी ज़िंदगी में वो वली थे ये जो गदीर वाली हदीस है ये तो जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी मुबारक जो जहरी हजा था उसके आखिरी साल यानी हज करके जब वापस लौटे तो ये नहीं कि उस वक़्त मौला अली वली बने थे मौला अली रदी अल्लाह तो पहले भी वलियों के वली थे मगर लफ्ज वली इसके माने के अंदर फर्क है आले सुन्नत के नज़दीक इसका माना कुरान सुन्नत के मुताबिक और है और रवाफिज इससे अपना खानसाज मतलब बयान करके सारे सिहाबा अहले बैत पर इल्ज़ाम लगाते हैं अल्लाह का बरगुज़ीदा, अल्लाह का मुकर्रब अल्लाह का पसंदीदा अल्लाह का दोस्त वली के ये मानी और मौला अली वली हैं वलियों के वली हैं वलियों के शहनशाह वली हैं वलियों के, है। के ताजदार हैं ताजदार वलायत हैं रवाफिज़ के नज़दीक वलायत क्या है कि वो इस गदीर को जश्न वलायत अली कहते हैं या ईद वलायत कहते हैं या वो कलमे में अली यूम वली कहते हैं या अज़ान में अली यूम वली कहते हैं उनके नज़दीक वलायत का माना वली अमर और ख़लीफ़ा बिला फसल है या उनके नज़दीक खदीर खुम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौलाली रदी को अपना खलीफा नाम जद करके ऐलान कर दिया था कि मेरे बाद ये खलीफा है ये मतलब है जश्न वलायत अली का उनके नज़दीक जश्न वलायत अली का राफी मतलब इनकार खिलाफत सिद्दीक अकबर रजियाल्ला तु इन कार खिलाफते हजरत उमर रजियाल्ला तुम है इन कार खिलाफ हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह है और इन कार खिलाफ चहारम हजरत अली रदी अल्लाह तुम ला है उनके नजदीक वली और मौला का मतलब और वली का मतलब ये है कि नबूवत सरकार के विशाल के बाद जब सरकार जानने जाना था तो अपना नायब और जान नशीन वलीजुलमर इस दिन मुकर्र कर दिया था हाथ में हाथ लेकर और दुनिया को बता दिया था और फिर उनके नज़दीक जब सकीफा में इजलास हुआ सयाबा किराम रदी अल्लाह तु का और हजरत के अकबर रजी अल्लाह तला के हाथ पे बैत की सब ने तो वो कहते हैं कि ये सकीफा वाला इजलास गदीर खुम के फैसले से माजल्ला बगावत थी अब बताओ कि ये जो उनकी वलायत अली है ये जो उनके नजदीक अली वलियला है ये सारी उम्मत परमाद है सारे सहाबा परदम एतमाद है सारे आहले बैत पर अदम एतमाद है सब ने हजरत सिद्दी के अकबर रजी अल्लाह के हाथ पे बैत की थी और सब पर यह इल्जाम है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्हज में जो आपने ऐलान किया था आगे जाके थोड़ी वक्त बाद सारे उस ऐलान से फिर गए और अपना ऐलान कर दिया मैं पूछता हूं आज के बिघौड़े मिनियों से तफसीलियों से और लहान शाह जैसे बागियों से कि पूरी चौदह सदियों के अकाबिर का मसलक तुम ईद गदीर की खुशी में दफन कर रहे हो क्या मुंह दिखाओगे कल क्या मत के दिन रसूल अलैहि वसल्लम को कि क्या सारे सिहाबा माज अल्लाह और सारे अहल बैत भूल गए उस ऐलान को जो सरकार ने ऐलान किया हो मौला के लिहाज से खिलाफत बिला फसल का और ये सारे सकीफा बनी सायदा में बैठकर इन्होंने उस ऐलान को जिस महबूब के लिए जाने वारते रहे उनका किया हुआ ऐलान सारे भूल गए ये ताना दिया जा रहा है ईद गदीर के अंदर उम्मत को और देने वाले परले दर्जे के बागी हैं इस्लाम दुश्मन है यहूद के अलाकार हैं और ये जो आज नए नए शतुंगड़े आए हैं जश्न वलायत अली और ईद गदीर मनाने वाले ये उन्हीं रवाफिज के चेले हैं हमने बिला वजा तो अंगारों को मुट्ठी में नहीं पकड़ा था हमने पहले ऐलान किया था कि ये जिस डगर पे चल गए हैं एक एक करके सारी बातें उनके मानेंगे लफज मशहदी कभी गैरत का हवाला था आज कुछ बेगैरत लोग मशदी बोल के खुमैनी के कसीदे पढ़ रहे हैं वो हमारे सज्जादा नशीन का बेरत मामू उसने खुमैनी की शान में पूरा कसीदा लिखा है और लहान शाह मशदी कहलवा कर आज वो जश्न वलायत और ईद मना रहा है पूछो पीर मेहर अली साहब से ये तस्वीर माबेन सुन्नी व शिया इसमें दीश गदीर के बारे में क्या फरमाते हैं जो मौका मैं पेश कर रहा हूं आज ये रोजाना को रिफज की तरफ बढ़ते हैं और जब हम टोकते हैं तो हमें बुग्जे अली का ताना देते हैं इन्हें यह है कि हमें कोई रिफज की तरफ जाते हुए मात्रों को मैं कहता हूं तुम उल्टे लटक के बुक से अली का ताना दे लो मगर क्या के दिन मालूम होगा कि हुबे अली का झंडा किसके हाथ में है ये चौंतीस सफ़ा है चौंतीस सफ़ा मौला अली रदी अल्लाह तुन के लिहाज से इस हदीस पर तबसरा और तस्फिया मबैन सुन्नी व शी सदना पीर मेहरड़ी शाह रमोत लोलडवी आप फरमाते हैं बुराद असलमी के बयान वाकियात व वा मुबरात और अपने मकाम पर बयानशुदा नसुस कुरानिया से वाज हो जाता है कि खुम गदीर वाली हदीस को सैदना अली रदी अल्लाह तला की खिलाफ बिला फसल से कोई ताल्लुक नहीं पहले रवाफज का एतराज जिक्र किया है कि रवाफिज कहते हैं इस हदीस से मौला अली की खिलाफ बिला फसल साबित होती है और पीर मेर अली साहब कहते हैं कि उस हदीस का खिलाफत बिला फसल से कोई ताल्लुक खिलाफत बिला फसल से कोई ताल्लुक ये किसने कहा मेरे तो क्या पीर मेर अली शाह को भूख से अली है नहीं पीर मेर अली शाह रहमतुल्ला झूठी हुब्बे अली का पर्दा चाक कर रहे हैं और सच्ची हुब्बे अली की गवाही दे रहे हैं आप फरमाते हैं कि हदीसे गदीर का खिलाफते बिलाफसल से कोई ताल्लुक तो फिर यहां जो सरकार दो आलम सलम ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फाली फालीन मौला हो जिसका मैं मौला हूं उसके मौला अली मौला है यहां लफ्ज मौला का तर्जमा करना भी बड़ा जरूरी है वरना लोग घुमराहियों में फंसे हुए वो खबारज कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई मौला नहीं तो वो भी झूठ बोलते हैं मौला अली यकीन मौला है लेकिन मौला का जो तर्जमा रवाफ़िज करते हैं वो भी बकवास करते हैं और उन से मिलकर ये दो नंबर जो राफी बने हुए हैं तफजीली ये भी बकवास करते हैं मौला का तर्जमा पूछना है यहां तो पीरमेर अली साहब से पूछो मन कुन तो मौला हो फियन मौला हो आप फरमाते हैं यह सफ़ा नंबर तैतीस है और टाइटल है बत्तीस पर तीसरे नतीजा मुतलका हदीस खुम गदीर का जवाब पहले एतराज लिखा की तरफ से ये होते थे पीर जो राफजियों का खुम ठोक के जवाब देते थे आप फरमाते हैं खुम गदीर के के इस बयान से साफ जाहिर है क्या हजरत सल्लम का इर्शादे आली मन कुन तो मौला हो फाल मौला हो बुरैदा की शिकायत की वजह से था जिसका मतलब यह है कि अली से दोस्ती और मोहब्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोस्ती है यानी अली की मोहब्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है यह मौला का मतलब है मन कुन तो मौला हो फालीयुल मौला हो और उधर यह दो नंबर राफजी जो हैं वो पिंडी का काला कव्वा वो फिर कहता है कि चूंकि सरकार नबियों के भी मौला है तो फिर अली नबियों के भी मौला है और मौला का माना आका तो अली नबियों के भी आका है यानी ये तस्व दे रहे हैं कि मौला तो आका के लिए होता है तो किस कदर कुएं को मीनार और मीनार को कुआं बना रहे हैं और रवाफे से भी चार पांव आगे जा रहे हैं उनके लुकमे चाकने के लिए हजरती शाह साहब मौला बमाना मुहिब मौला बमाना दोस्त मौला बमाना महबूब मन कुन तो मौला हो फालीन मौला हो सरकार फरमा जिसका मैं महबूब हूं अली भी उसके महबूब हैं, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से भी मोहब्बत करेगा चूंकि हजरत बुरादा असलमी ने शिकायत लगाई थी वो शानूद भी बयान किया हजरत पीर मेरे शाह साहब ने कि ये लफज बोले किस लिए गए थे यमन का वो वाकया बयान किया और उसके बाद वजह बयान की आज हम पूरी दुनिया से जंग कर रहे हैं खाकों के मसले पर और यहां के बेगैरत दो तस्वीरें बनाकर खाके बनाकर एक को एक खाके को खाकम बदहन अल्लाह के रसूल का पैकर शो कर रहे हैं और दूसरे मुजस्मे को मौला अली का पैकर शो कर रहे हैं और हाथों में हाथ दिए हुए हैं और साथ मन कुंतो मौला हो फाल मौला हो ये कितनी बड़ी तोहिन की जा रही है रवाफिज के फिरके की तरफ से और फिर हमारे ये बेवकूफ बेहमियत लोग कदम पे कदम उनके पीछे रखते जा रहे हैं और जो रोकता है उसको ताना देते हैं कि हमें कोई ना रोके हम मनमानी करते रहें जिसर जिधर चाहें जिधर जाएं तो हमें भी सादात ने यह हौसला दिया है कि करोड़ ताने बर्दाश्त करके भी हम इनकी खबर इंशाल्लाह लेते रहेंगे जब तक सांस में सांस है हक का इजहार करते रहेंगे कि ये ईद गदीर सौ फीसद रवाफिज का त्यौहार है और अगर कोई कहता है कि मौला अली रजी अल्लाह तन को ये शान मिली हम उस शान की वजह से खुश हैं यकीन है शान पर हम भी खुश हैं लेकिन वो दिन जो उन्होंने घड़ के इसका ईद का रखा इस दिन बतौर खास करने की वजह क्या है अगर करना भी है तो लिखो खलीफाए चहारम को सरकार ने मुसलमानों का मौला करार दे दिया तो फिर पता चले कि जो तुम्हारे आका है उनकी दुम को कितनी आग लगती है और तुम्हें वो फिर टुकड़े नहीं डालेंगे फिर फर्क पता चल जाएगा कि तुम मौला का क्या मतलब बयान कर रहे हो तुम उनसे दाद लेने के लिए वो हंस रहे हैं कि हमने काश, काशाने को आग लगा दी है इनके बड़े बड़े मुनाजर हमारे चंद टिकों पे बिक गए हैं वो खुश हो रहे हैं और ये आग को देख ही नहीं रहे कि घर को कैसे आग लगाई गई है अब ये वजाहत मैं उनकी किताब से पेश कर देता हूं कि उनके नजदीक गदीर क्या है ये मौसूतुल गदीर की पहली जिल्द है जिल्द नंबर एक में सफा नंबर दो सो दस है इसमें क्या लिखा है शरीयत इस्लामी वफी शरीय आया दिन हाँ कहता है कि शरीयत इस्लामी में तीन अहम ईदें हैं कितनी लिखी हैं? ईद उल फित्र ईद उलहा तीसरी ईद उल गदीर एक तो ये यानी सरकार की दुनिया में आमद की ईद इनके इस लिस्ट में नहीं फिर कहते हैं पहली दो तो आम हैं ईद उल फितर और ईद वकदीर ईदन जब ताहे जो फील मुसलिमून अला अलम तदादात इन तारीखी व जुग्राफिया के जो आखिरी है यानी ईद उल गदीर ये सदियों से मुसलमान रवा फ वो कहते हैं मना रहे हैं वमा यन तवी अलह ईदीर ईद उल गदीर क्यों मनाई जाती है इसमें क्या है कहते मीन ईहा ईहा आतिन इहा आते आते अहल बैत बिल खिलाफिल इस्लामिया ये ईद इस जशन के लिए मनाई जाती है कि खिलाफते बिला फसल अहल बैत का हक है अहक्कीया के मौला अली ज्यादा हकदार थे किस चीज के बिल खिलाफत इस्लामिया सरकार दो आलम सल सल्लम के बाद खिलाफत के वो ज्यादा हकदार थे यानी हकीकत में वो खलीफा बिला फसल थे और साथ अगले सफे पे लिखा है फिन सकीफा कद जात ले तनाकुदिल गदीर के जो सकीफा बनी सायदा में सयदा सिद्दी के अकबर रदी अल्लाह तला के हाथ पर बैत की गई और सब ने उनको खलीफा माना कहते हैं ये शकीफा वाला जो इजलास था ये इस गदीर वाली हदीस के मुकाबले में इससे बगावत करते हुए किया गया तो ये खिलाफते बिलाफसल मौलाली रदी अल्लाह तला की बयान करने का जशन है उनका वलायत तो उनकी पहले भी थी वो वलायत जो कुरब खुदाबंदी है वो वलायत जो अला अल्लाह वला अलाम वो वलायत तो वो पहले भी उसके सरताज थे शहनशाह थे अब ये जश्न गदीर जश्न वलायत अली ये जो थोड़ी सी झिझक महसूस करते हैं अभी इन सालों में अभी वो जश्न वलायत का रफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं आगे वो ही फिर जश्न गदीर लिखेंगे ईद गदीर लिखेंगे और आना गदीर रवाफज की बोली बोलेंगे और इनका मत, मकसद क्या है कि वो हमें मुहिब मान लें वो भी कहें कि बाकी सुन्नी तो खारजी हैं ये इनमें से फिर मौलाई बन गए हैं लेकिन हजरत मुजदल्फानी रहमत आप फरमाते हैं कि ये भूल है इन लोगों की जो रवाफज के कदमों पे कदम रख रहे हैं आप फरमाते हैं रवाफज आज आजाल सुन्नत वक्त खुशनूद गर्दन क्या सुन्नत नीज दर रंगे ऐशा आज दीगर असाब किराम तम्री नुमायन, के सिर्फ काले कपड़े पहनने से रवाफज सुनियो तुमसे खुश नहीं होंगे तो क्यों पहनते हो सिर्फ जश्न गदीर मनाने से वो खुश नहीं होंगे को कब खुश होंगे कहते हैं जब उनकी तरह तुम भी स्याबा के खिलाफ बकबक करोगे तो फिर खुश होंगे जिस तरह के जो उस ट्रैक पे चले हैं फिर स्याबा के खिलाफ भी बकबक बक कर रहे हैं, तो उनसे सर्टिफिकेट लेने की तुम्हारे अंदर ये तड़प क्यों है वो खुद जहन्नमी है उनका दिया हुआ हुब्बे अली का सर्टिफिकेट तुम्हें जन्नत नहीं दे सकता जन्नत वही सर्टिफिकेट हब्बे अली का देगा जो अल्लाह के नबी सलाम ने दिया है और जो सुन्नत के पास है इस वास्ते ये जो दौड़ लगी हुई है और फिर मजे लेते हैं असल सुन्नत को खारजी कहकर नाच भी कहकर और खुद जो बिके हुए गैरों की गोद में जाकर बैठे हैं उनके नजराने बटोरते हुए असल को ताने देकर मसल का काबिर का बेच के अगर किसी में रत्ती भर गए है आओ मकतूब पे के फैसला करवा लो आओ तस्फिया पे के फैसला करवा लो अगर अपने बड़ों का भूल क्या है तो हम तुझे पढ़ा देते हैं सीखो इसको आज ले उनकी फना आज मदद मांग उनसे कल ना मानेंगे क्या मत को अगर मान गया तहफुज तो कुरान मजीद के लिहाज से बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल अगर कुरून उला के मुसलमान होते अगर खलफा राशिदीन होते तो किसी एक वाके पर जो ये वेस्ट में हुआ है आज तक अमली तौर पर जिहाद से इसका बदला लेके दिखाते लेकिन अब हुक्मरान मुर्दा घोड़ों से भी बदतर हैं जिन्हें उनसे बदला लेना है वो भी एहतजाज ही कर रहे हैं यहाँ पर एहत तो हम करें जिनके पास इख्तियार नहीं और जो असाब इकतदार हैं वो जाके बात करें और इसका हल सिवाय जिहाद के नहीं है मैं भी मुतालबा करता रहा हूँ कि इंटरनेशनल सतह पर कानून साजी की जाए मगर मैंने सारे पहलुओं का जायजा लिया तो मुझे लगता है कभी भी वो दिन नहीं आएगा कि जब तोहन कुरान पर इंटरनेशनल सतह पे जो सजा बनती है वो मंजूर की जाए तोहन रसालत पर कभी आलमी अदालत इंसाफ में कभी किसी इंटरनेशनल फोरम पर जो सजा बनती है वो दी जाए कुरान के बारे में कौन सी इंटरनेशनल कौंसल या इदारा तोहन पर सजा मंजूर करेगा जब उनके नज़दीक सारी जिहाद की आयात माज़ल्ला सुला दहशत गर्दी है वो तो कहते हैं पहले इनको निकालो तो कौन है जो निकालेगा या निकाल के कौन है जो मुसलमान रहेगा मैं सिर्फ आपके सामने वो अदीस रखना चाहता हूँ और आपके जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं और हुक्मरानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल सलाम ने क्या फरमाया था और आज हम कितने दूर जा चुके हैं उससे और ऐसे वाकया पर मुस्लिम फ़ौजों पे क्या लाजिम आता है और आज क्या किया जा रहा है ये सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस शरीफ है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हेडिंग ये है बुखारी का उनवान बाब व कराहत सफ़र बिलमसाफ अर्दूब के अर्द अदूब की तरफ दुश्मनों की ज़मीन की तरफ दुश्मनों के ममालिक तरफ कुरान का नुस्खा ले जाना मकरू है ये बाब है और हदीस नंबर दो हज़ार नौ सौ नबे है सई बुखारी शरीफ की हजरत हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह से रिवायत करते हैं रसूल सल्ला के रसूल सलाम ने मना किया किस चीज से बिल बिलकुरआनेला अर दिल अदू दुश्मनों के मुल्क में कुरान ले जाने से मना किया नहा रसूल सल्ला रा के सफ़र किया जाए बिलक़ुर कुरान साथ लेकर किधर अलाअर दिल अदूव दुश्मनों के मुल्क की तरफ और हदीस नंबर दो हज़ार नौ सौ उनानवे और इसमें जो तलिकात में ज़िक्र किया बाबू कराह सफ़र में उसमें यह है इसका खुलासा कि अगर बड़ा लश्कर हो मुसलमानों का तो फिर तो फौजी अपने हमरा कुरान ले जा सकते हैं और अगर छोटा हो तो फिर नहीं ले जा सकते मुस्लिम शरीफ के अंदर बाब है मुस्लिम शरीफ का बाब यह है बाबुल नहीसाफरा बिलमुसफे अला अरदिलकुफारकू बेदी हम जब खतरा हो के काफिर काफरों के हाथ में कुरान चला जाएगा तो फिर मना है कि कुरान उस मुल्क में ले जाया जाए इसमें हदीस क्या है वही हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तैन से है कहते हैं कि नहा रसूल सल्हुस ऐसाफरा बिल कुरान इलादव के रसूल पाक सल्ल वसम ने दुश्मन की ज़मीन की तरफ कुरान ले जाने से मना किया और अगली हदीस में है काला रसूल सल्ल व ला तो सफिरु बिल कुरान कुरान साथ लेके सफर ना करो दुश्मनों के मुल्क की तरफ फ ला मानो ऐना लहुल अदूब मुझे खतरा है दुश्मन कुरान के नुस्खे को पकड़ के तोहीन करेगा उस जमाने में फरमाया फनी ला मानो ऐना लाहुब फरमा मुझे इस बारे में मैं बेखतर नहीं हूं मुझे खतरा है कि कुरान का नुस्खा लेकर वो उसकी तोहहीन करेंगे लिहाजा कभी भी कुरान का नुस्खा लेकर दुश्मनों की जमीन की तरफ दुश्मनों के मुल्क की तरफ ना जाओ अब असल मसला जिस पर जाकर आज ये हल हो सकता है उससे पहले बहुत ज्यादा शरीयत की खिलाफवर्जियां की जा चुकी हैं जिसके नतीजे में आज मुसलमान फंस गया है असल मसला यह है कि रसूल पाक वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के देश में जाने से मना किया और फरमाया अगर कोई वहाँ मुसलमान जो जद्दी पुश्ती वहाँ का था और कलमा पड़ गया फरमाया अगर वहाँ वो हक मनवा नहीं सकता तो उस वक्त तक उसकी नमाज़ कबूल नहीं होगी जब तक हिजरत नहीं कर लेगा ये जो जाना था कि कुरान साथ लेके ना जाना ये फौजियों को कहा ये लश्करों को कहा काफिरों के मुल्क में ये जिस मकसद के लिए आज लाखों वहां जाके बैठे हुए हैं क्या इन्होंने इस्लाम से कभी पूछा कि रोटी के लिए वहां उनके पास जाके बैठना जायज है या ना जायज है आज तो यह मसला होगा ना कि फिर कुरान वहां ना रखे तो क्या करें जरूरी है हम तालीम के लिए रखें हम अपने बच्चों को पढ़ाएं पहले इस्लाम से अपना जाना तो पूछ लें दारुल इस्लाम को छोड़ के कुफर में जाके बैठना और फिर कुफर में उन काफरों के सामने ऊंची निगाह से देख भी ना सकना वो कुरान जला रहे हो और तुम सिर्फ तमाशा ही बन के बैठे रहे हो तो फिर ईमान कैसे बचेगा अल्लाह के रसूल सलाम ने तो फरमाया इतनी अहम चीज है कुरान जिन कागजों पे लिखा हुआ है वो मुसहफ लेके ममनू है कि जाओ उधर जब तुम इसकी इज्जत पे पैरा नहीं दे सकते और वहां रहो जहां इज्जत पे पैरा दे सकते हो इन अदीस के मतलब बड़े गहरे हैं लेकिन वाज दोनों हदीस हैं मैं आलम इस्लाम के हुक्मरानों के सामने पेश कर रहा हूं और मुसलमानों के सामने पेश कर रहा हूं कि कभी भी रिक्वेस्ट उनसे आलमी कानून की करके और उनसे यह तो वो इसका अदब करें जिसको वो दहशतगर्दी कहते हैं आयाते जिहाद को क्या मत तक नहीं लगता कि वो तुम्हें इसके तहफ की गारंटी दें तुम अपने पांव पे खड़े होकर सिर्फ जिहाद जब भी कर सको तो फिर इस कुरान का तहफ हो सकेगा इस कुरान के अहकाम उनको एक आंख नहीं भाते वो इसकी आयतें जिहाद के बागी हैं इन दीन इंदम ये कुरान कहता है सिर्फ इस्लाम सच्चा दीन है वेस्ट के गुमाशते भोंकते हैं हम भी सच्चे हैं तुम्हारे कुरान ने हमें झूठा क्यों कहा उनसे कब खैरात मिलेगी और इस्लाम और ईमान पे जिंदगी गुजारना यह कोई आसान सा काम है अगर इस कुरान से कल शफात की तवक्को रखनी है तो फिर इसकी हिफाजत के लिए जाने भी वारनी पड़ेगी इसकी हिफाजत के लिए जिहाद करना पड़ेगा वाम के लिए ठीक है कि हम निकल रहे हैं निकलेंगे मगर हुक्मरान किस मुंह से सिर्फ करारदादे मंजूर करके बैठे हुए हैं अल्लाह के कुरान को सरकारी सतह पे जलाया गया अगर एक मोहम्मद बिन कासिम होता तो सवीडन की ईट से ईट बजा देता कि उन्होंने ऐसा जुर्म किया है जिस जुर्म के नतीजे में उन्हें माफ नहीं किया जा सकता और यहां कभी नार्वे कभी डेनमार्क कभी कोई कभी कोई वो ये सब कुछ कर रहे हैं और इधर कुछ वहां जाके बैठे हुए हैं कुछ यहां हैं और समझते प्राइवेट सी बात है कोई नहीं क्या हुआ नहीं नहीं ये कुरान है और ईमान है और इसका तहफुज ईमान के लिए लाजमी है और वो तहफुज हाथ बांध कर अपीले करने से नहीं मिलेगा वो तहफुज उस कुवत से मिलेगा जो खिलाफते राशि में है वो तहफुज निजाम मुस्तफा सल्ला वसल्लम की हकूमत से मिलेगा वो तहफुज दीन के इकतेदार और इख्तियार से मिलेगा इस बुनियाद पर हमें डर भी है कि कैसे हम जिंदगी गुजार रहे हैं अगर ऐसे ही मर गए तो क्या जवाब होगा क्या मत के दिन हमारे पास क्या हम उस दौर में जी रहे थे कि जब कुरान जा, जा रहा था और हम उसके बदले में जिहाद करने के लिए नहीं निकल सके थे वक्त के हुक्मरानों को यह फैसला करना होगा अफवाज को यह फैसला करना होगा यह करोड़ों दहशतगर्दियों से बड़ी दहशतगर्दी है जो उन लोगों ने बार बार की है इसके लिए सारे मुस्लिम के हुक्मरानों को जिहाद की पॉलिसी अपनानी होगी और उस जिहाद की पॉलिसी से पहले ये जो वहां जाके डेरे लगा के बैठे हुए हैं उन्हें भी अपनी पॉलिसी बनानी होगी और इस लिहाज से कुरान की खातिर सब कुछ छोड़ना होगा और कुरान की हिफाजत अगर हो जाए और इसके नतीजे में सब कुछ वार दें तो फिर भी महंगा सौदा नहीं फिर भी उम्मत को इज्जत मिलेगी और फिर भी कामयाबी और कामरानी का जरिया होगा तो आज वेस्ट के शैतानों तक यह पैगाम पहुंचाने के लिए जो आखिरी दर्जा है यह सड़कों पे निकल कर नारे लगाकर इजहार का कम अज कम यह मामूली हाजिरी तो लग जाए असल हाजिरी तो तोपों, तलवारों नेजों टैंकों और मिसाइलों से है और वहां के रहने वालों को फिर बहाना नहीं बनाना चाहिए कि हम भी मारे जाएंगे असल जिहाद इसके तहफुज के लिए उम्मत करती आई है और आज यूं एक बरादरी बन के बैठे हुए हैं आपस में भाई, भाई भाई बन के और वो तो पलीद हैं पलीदी से बाज नहीं आएंगे ऐसों को मत भाई कहो ऐसों को मत बरादरी कहो अल्लाह ताला फरमाता फेनताबू अगर वो बाज आ जाएं कुफर से तो फिर तुम्हारे फाइवानकुम फिर भाई हैं वरना उन्हें भाई ना कहो जब तक वो इस्लाम कबूल नहीं करते फातह खानी के लिए एक बार अलहमद शरीफ और तीन बार शरीफ पढ़ें नब्बाज़ कौम अलहाज अबू दाऊद मोहम्मद सादिक कादरी रिजवी साहब अलैह उनका सालाना उर्स मुबारक भी है और मोहम्मद इमरान कैलानी साहिब की दादी जान मरहूमा और अब्दुल वहीद कैलानी साहब के दादा जान मरहूम और उलूम -um, हजरत मौलाना मोहम्मद नवाज़ कैलानी अलैह के पोते अल्लामा मोहम्मद हम्माद नक्शबंदी इन सब के इसब के लिए एक बार अलहमद शरीफ और तीन बार खुलशरीफ़ पढ़ के मेरे मिलक करें और ये भी याद रखें कि हमने अल्लाह के फजल से वो कहते हैं लोग के नाम ही काफ़ी है हमने इस बारे में वेस्ट पर अपना हक अदा किया है हमारा नाम आ जाए तो सब कुछ बंद पिछले दिनों लाहौर में कलम दीन फौत हो गए मैंने उनकी ताज़ियत के लिए एक पोस्ट चलाई उन्होंने वो अपने पेज पे लगाई तो फौरन नोटिस आया उनको फेसबुक की तरफ से कि तुम्हारी आईडी बंद हो गई है तुमने एक डेंजरस बंदे का नाम और उसकी तस्वीर जो है वो शाया की है तो ये भी जेन में रखें कुछ लोगों के पास हम जो नहीं जाते फातिया खानी के लिए या क्योंकि कुछ लोग हमें देख के भाग जाते हैं डर जाते हैं कि अगर इनकी तस्वीर भी हमारे साथ लगी तो हम भी साथ ही गए ये मुझे जो सऊदी अरब में दाखिला से रोका गया तो उससे चार दिन पहले गैरट विल्डर ने नदरलैंड से मेरे बारे में मुतालबा किया था जो अखबार में वहाँ छपा कि इसने चूंकि मेरे कत्ल का फतवा दिया हुआ है वो जिसने नुमाइश खाकों की का ऐलान किया था गैरट विल्डर मनून लिहाजा पाकिस्तानी हुकूमत इसे गिरफ्तार करे और तमाम कूमतें जो हैं वो इस पर पाबंदी लगाएं ये तीन चार दिन बाद मेरे उम्र का वो मौका था तो सऊदी हुकूमत इतनी नालायक है कि जिसके सीने पे बैज लगा हो मन मनसब्बा नबीन फखलू हो वो उसे भी पकड़ लेते हैं इतने वेस्ट के नीचे लगे हुए हैं इस हद तक उनका कलमा पड़ रहे हैं हम अल्लाह की आजाद बंदे हैं और कलमा हक अल्लाह के फजर से बुलंद कर रहे हैं लिहाजा जिनको हमारी तस्वीर से डर लगता है हमारे पास बैठने से डर लगता है तो हम उन लोगों को माजूर समझते उन्हें ज़्यादा आजमाइश में नींद डालना चाहते उनके लिए हम घर में ही फातह खानी कर देते हैं ताकि उन्हें हमारी वजह से कोई तकलीफ ना हो तो ये आपने जो पढ़ा है मेरे मिलक करें ताकि इस आले किया जाए अलहमद लाबी रसूल करीम यामीन जो कुछ पढ़ा रसूल पाक वसल्लम के वसीिला जलीला से तेरे दरबार में पेश करते हैं कबूल फर्मा यालमी नबी अक्रम सल्ला वसम के अजीम मरतबा के तफेद तो करम खुलफा रशिद्न नबी तमाम अजवा ज मतरादी अल्लाबा क्या रदील ताबीन तब ताबीन एम तरिकत एम शरीत जमील मसलमिनुमसि अरबा के लिए पेश करते हैं कबूल फरमा बिलखसूस हजरत अल्हा जबूदउ वम सदक साहिब रम्म मोहम्मद अब्दुल्वीद कैलानी साहब के दादा जान मोहम्मद इमरान कैलानी साहब की दादी मोतरमा और मौलाना मोहम्मद हम्म साहब की इबा के लिए पेश करते हैं कबूल फरमा या के दर्जात को बुलंद फरमा अपना खूशी फजल करम हाल फरमा और सल्ला हबीबी ही खैर खलकी सईद न मौलाना मुहमद वालम